हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज केमिस्ट्री में मैं जो चला रहा था उस पर मैंने आपको एथिल ब्रोमाइड किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाते हैं वो आपको सिखा चुका था। और इसके बाद एथिल ब्रोमाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों को भी सिखाऊंगा। इसके पहले मैं एक दूसरी सीरीज लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ जिस पर मैं एल्किल हाइलाइड के बनाने की विधियाँ बता रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने मिस कर दिया था, इसलिए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए 90+ की प्रिपेयरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पहली रिएक्शन है वह है एल्कीनोसेव क्रिया। किससे दोस्तों? एल्कीनोसेव क्रिया। हमें बनाना क्या है दोस्तों? हमको बनाना है एल्किल हाइलाइड। अब मैं दोस्तों आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि एल्किल हाइलाइड होते क्या है। तो एल्किल मैंने आपको बताया था कि R होता है और हाइलाइड मैंने बताया था X होता है। X का फार्मूला होता है CnH2n+1। ये एल्किल के लिए होता है। और इस एक्स के स्थान पर हम रख देते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो दोस्तों, इससे जब हम फार्मूला निकालते हैं एल्किल का तो इससे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये फार्मूले निकल कर आते हैं। इसकी जो पिछली वीडियो थी उस पर मैंने ये सारी बातें बताई थी। यदि वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपके ये समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आपको मेथिल, एथिल के फार्मूले पता है तो ठीक है। तो दोस्तों, पहली हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी एल्कीनों की हाइड्रोजन हाइलाइड सेव क्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पे एल्कीनो, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ एल्कीनों की तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको एल्कीनो यानी कि एल्कीन का जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है CnH2n। एल्कीन का जो हमारा फार्मूला होता है CnH2n। मैं सारी बातें बता चुका हूँ, आई बटन पर आपको दो वीडियो मिलेंगी। ये वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको 200 फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे कि मैं एल्कीनो के स्थान पर 2 रखता हूँ यानी कि एथ, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो निकलता है यहाँ से C2H4। तो यहाँ से एल्कीनो में मैंने ले लिया C2H4। अब हाइड्रोजन हाइलाइड, तो प्लस में मैंने हाइड्रोजन के लिए एच ले लिया। और हाइलाइड, हाइलाइड होता है हमारा एक्स, मैंने आपको बताया था। एक्स के स्थान पे आप ये क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। इसके बाद आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से अब जब आपको एल्किल हाइलाइड प्राप्त होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये एच है तो इस 4H के साथ लग जाएगा तो हो जाएगा C2H5। ये एच मिलकर इधर 5, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एथिल का फार्मूला हमें बनाना है एल्किल हैलाइड तो हम पहले एल्किल बनाने की सोचेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर हम एल्कीनों के लिए 2 रखा है तो हम इसमें जब 2 रखेंगे तो ये फार्मूला निकल कर आएगा C2H5। तो आसान सी बात है, जब यहाँ पे हमने 2 रख के निकाला तो ये C2H4 निकला। तो जब HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो C2H5 भी बनेगा, इसमें भी 2 रख सकते हैं। दोस्तों, ये आपको हल्का सा माइंड लगाना है, ये लैब में ऑलरेडी रिएक्शनें हो चुकी हैं, ये यही रिएक्शनें बनेंगी, बट आप यहां से माइंड भी लगा सकते हैं तो हो जाएगा C2H5। अब दोस्तों, यहां से आपके लिए जो है, अब आप जानते हैं तो यहां से C2H5 और इधर लगा देंगे Cl तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें बनाना था हाइड्रोजन हाइलाइड। तो यहां पर दोस्तों जब हमने 2 रखा तो ये निकल के आ गया C2H5 इस फार्मूले में, क्योंकि एल्किल हाइलाइड हमको बनाने थे। और एल्किल का जो फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+1। ये आप याद कर लीजिए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो ये मेथिल का फार्मूला होता है C2H5, तो एल्किल बन गया। अब एक्स के लिए हमें Cl, तो ये हमें सब एल्किल ही निकालना था तो हम सीधे सीधे यहाँ से C2H5 बना दिए और ये Cl यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा निकल कर आ गया एथिल क्लोराइड, इसका नाम लिख लीजिए। फार्मूले आप याद कर लीजिए, आपको याद नहीं करना है यदि तो आप क्लोराइड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेरी जो 2 वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फार्मूले याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर एल्कीन का मैंने आपको फार्मूला लिखाया था तो 2 रखेंगे तो वहां पे ये बन जाएगा मेथीन।
ये इसके बाद ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट आपके समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है, बस आप धैर्य रखिए और मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहां से अब ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए, ये मेथिन का फार्मूला हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड बन गया। तो आपको एथिल का यदि फार्मूला पता होता तो आप एथिल क्लोराइड बना सकते थे, क्योंकि आपको बनाना था एल्किल हाइलाइड। तो पहले आप एल्किल बनाने की सोचेंगे, एल्किल में बहुत आ जाते हैं, वो मेथिल आ जाएगा, एथिल आ जाएगा, प्रोपिल आ जाएगा, ब्यूटिल आ जाएगा, पेंटिल आ जाएगा। अब जैसे कि आपको फार्मूला याद है कि एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1, तो आपको मेथिल का फार्मूला निकालना है तो आप एक रख देंगे मेथिल के लिए, एथिल का निकालना है तो दो रख देंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट आक्ट नन डेक। तो यहाँ से जब आप मेथिल एथिल प्रोपिल निकालेंगे वो सभी एल्किल निकलेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला ही एल्किल का, एल्किल आर का होता है CnH2n+1। ये आर का फार्मूला होता है, आर को हम एल्किल कहते हैं, हमको बनाना है एल्किल हाइलाइड। तो पहले हम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट इनमें से एक बनाएंगे, तो इनमें से एक C2H5 हमने यहाँ पे बना दिया है। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, एक रखेंगे तो मेथिल का फार्मूला निकलेगा क्योंकि एल्किल का है, और ये एथिल का निकलेगा, इससे प्रोपिल का निकलेगा। इसी प्रकार 10 के 10 रखेंगे तो 10 फार्मूले निकल आएंगे, ये मैं आपको बता चुका था। तो यहाँ पर इसका सेकेंड पॉइंट मैंने लिया है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया। तो दोस्तों ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि ये एल्किल का होता है, तो जब इसमें मेथ यानी कि मेथ का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से CH3 निकलेगा, इस फार्मूले में जब 1 रखेंगे तो ये मेथिल बन जाएगा। इसके बाद जब इसमें 2 रखेंगे तो ये C2H5 निकलेगा, ये एथिल बन जाएगा। क्यों एथिल बन जाएगा? क्योंकि एथ का मान आप 2 रख रहे हैं एल्किल के फार्मूले में। अब इसके बाद जब एल्कोहलों की बात आ गई तो वहां जब आप इनमें OH लगा देंगे, जैसे CH3OH, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इसमें जब C2H5OH में OH लगा देंगे तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो अब आपको एल्कोहलों से रिएक्शन करनी है। तो दोस्तों एल्कोहलों से रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एल्कोहल को ही लेना है। तो मान लीजिए मैं ये एल्कोहल ले लेता हूँ, CH2H5OH मैंने ले लिया। फिर इसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन हाइलाइड, तो मैंने हाइड्रोजन हाइलाइड में H ले लिया। अब हाइलाइड में कोई ले सकते हैं, Br ले लें, Cl ले लें, आपकी मर्जी, आप क्या लेते हैं, बस इसे अब गर्म कर देंगे। जब दोस्तों इसे गर्म कर देंगे तो देखना यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा। अब हमको बनाना क्या है, अब आप फोकस कहाँ पे करेंगे कि अब हमको बनाना क्या है, ये आपको फोकस करना है। तो अब हम जानते हैं कि हमें बनाना है एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल पहले हम बाहर करेंगे, एल्किल एक ये C2H5, तो मैंने C2H5 को बाहर कर लिया। फिर इसके बाद हाइलाइड के स्थान पर हाइलाइड होता है एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखते हैं, तो यहाँ से अब हमें ब्रोमीन लिखना पड़ेगा तभी तो एल्किल हाइलाइड निकलेगा, तो यहाँ से एल्किल हाइलाइड निकल कर आ गया। अब इसके बाद हमारा जो बचा तो C2H5Br ये हो गया, इसके साथ इतना और इतना हो गया, ये एच और ये एच मिलकर 2H हो जाएंगे, तो +H2 और ये वाला O, तो H2O बाहर हो जाएगा। अब आप इसका फार्मूला लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, और ये जल होता है सब कोई जानता होगा, और ये एथिल अल्कोहल मैंने वहां पे बता ही दिया, ये एथिल अल्कोहल। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो दोस्तों मैं आपको इसको फिर से करके दूसरे हिसाब से बता देता हूं। जैसे कि आपको बनाना था एल्किल हाइलाइड, अब आपको लेना है एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया। तो आप जानते हैं कि एल्कोहल जब हम बनाएंगे तो एल्कोहल बनाने के लिए हमें एल्किल के किसी भी उसमें OH लगाना होगा, तो हम डायरेक्ट R पे लगा लेते हैं, R भी हमारा एल्किल होता है, तो मैंने R पे OH लगा लिया। ठीक है, ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा बन गया एल्कोहल। अब इसके बाद हमें क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया करवानी थी, तो हाइड्रोजन ले लिया मैंने यहाँ पे, हाइलाइड हमारा होता है एक्स, तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया।
फिर इसके बाद हमें बनाना है एल्किल हाईलाइट। तो एल्किल में यहाँ से आर ले ले रहा हूँ और हाईलाइट तो हाईलाइट में यहाँ से एक्स ले ले रहा हूँ। अब हमारा एल्किल हाईलाइट तैयार हो गया। इसके बाद ये एच मिलकर प्लस करके यहाँ पे H2O बना देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रिएक्शन आपके समझ में आए। अगर ये रिएक्शन आपके समझ में आई है तो सिंपल सा फंडा है, आर के हमें 10 मान मिलते हैं। आर के दोस्तों कितने मान मिलते हैं? 10 मान मिलते हैं, क्योंकि मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आर्ट नन डेक ये 10 होते हैं। तो हम 10 के 10 के एक एक करके जब यहाँ पे मान लिखते हैं तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल इस प्रकार फार्मूले निकलते चले जाते हैं। तो उसमें हम OH लगा लेते हैं। तो यही पे मैंने यहाँ पे एथिल पे OH लगा लिया था। तो उसी प्रकार आर के स्थान पर देख सकते हैं एथिल लिखा हुआ है, एक्स के स्थान पर ब्रोमीन लिखा हुआ, क्योंकि हम एक्स के स्थान पर क्या लेते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और एल्किल के स्थान पर हम यही ले सकते हैं, एल्किल के स्थान पर दोस्तों हम ये ले सकते हैं CH3 है तो C2H5 मेथिल एथिल प्रोपिल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब जैसे इसमें आप एथिल मेथिल लेकर करना चाहें तो मेथिल का फार्मूला क्या होता है? CH3 और इसके बाद यहाँ पे OH लगा दिया अब प्लस H। अब इसके स्थान पर BR लिया था, आप CL लेके कर सकते हैं। तो यहाँ जब CL लेके करेंगे तो हो जाएगा CH3 और इसके X के स्थान पर मैंने CL लिया तो CL लिख देंगे यहाँ पर अब प्लस H2O। आशा करता हूं दोस्तों कि यह आपके समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसे देखना आप मत भूलें। उस पर मैं बताऊंगा रिएक्शन किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु रिएक्शन हमारे लैब मेथड में वो लैब के तरीके जो बन गई हैं, वो जो निकलता है किसी पदार्थ को, मान लो हम किसी में डालते हैं और उबालते हैं तो जो बनता है वही यहाँ पे निकल कर आता है। तो हम अपनी तरफ से बना के गर्म तो यहाँ कर नहीं रहे, तो दोस्तों जो बना है लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पार्ट 2 देखना ना बोलें।